विधानसभा चुनावों में महाराष्ट्र और हरियाणा में फिर खिला कमल। महाराष्ट्र में भाजपा शिवसेना गठबंधन को मिला स्पष्ट बहुमत। हरियाणा में 40 सीट जीतकर बीजेपी बनी सबसे बड़ी पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद किया नई दिल्ली स्थित भाजपा कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित। जनता से मिले समर्थन के लिए जताया आभार। हरियाणा और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों के कार्यों को सराहा। बुंदेलखंड अंचल के सागर में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल की गांधी संकल्प पदयात्रा का हुआ जगह जगह स्वागत। केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छता, नशा मुक्ति जैसे कई जन सरोकारी विषयों के प्रति लोगों को किया जागरूक। बैतूल में जिला सहकारी बैंक द्वारा गांधी जी के 150वीं जयंती वर्ष पर विचार गोष्ठी का किया गया आयोजन। गांधी जी के जीवन एवं आदर्शों से प्रेरणा लेकर चलने पर दिया वक्ताओं ने जोर। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को बारिश से खराब हुई सड़कों के सुधार के संबंध में ली अधिकारियों की बैठक। सभी खस्ताहाल सड़कों का सुधार जल्द से जल्द करवाने के दिए निर्देश। राजधानी के हबीबगंज स्थित रेलवे सामुदायिक भवन में रेल कर्मचारियों के लिए पासपोर्ट जागरूकता शिविर का किया गया आयोजन। पासपोर्ट विभाग के अधिकारियों ने पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया और इसके प्रयोग के संबंध में फैलाई जागरूकता। प्रदेश में सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत हो रही हैं विभिन्न गतिविधियां। छिंदवाड़ा में यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दी गई भ्रष्टाचार से निपटने की जानकारी। कन्या महाविद्यालय की छात्राओं को दी गई समझाइश। खंडवा में जिला स्तरीय राष्ट्रीय विज्ञान मेले का किया गया आयोजन। कई बाल वैज्ञानिकों ने पेश किए अपने अपने प्रोजेक्ट और शोध पत्र। चयनित बाल वैज्ञानिकों को राज्य स्तरीय विज्ञान मेले में प्रतिभा दिखाने का मिलेगा अवसर। नई दिल्ली में प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्य प्रकाश ने प्रसार भारती की न्यूज सर्विस का किया शुभारंभ। कहा, प्रसार भारती डिजिटलाइजेशन की तरफ तेजी से बढ़ा रहा है अपने कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक दीपक बेटियों के नाम नामक मुहिम की अपील का दिख रहा है सकारात्मक असर। अनूपपुर में महिला एवं बाल विकास अधिकारी, पुलिस अधिकारी एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा किया जा रहा लोगों को जागरूक। दीपावली को लेकर सभी वर्गों के लोगों में देखा जा रहा है खासा उत्साह। शिवपुरी में दिव्यांग बच्चों ने बनाए इको फ्रेंडली दीपक। दिवाली पर इन दीपकों को रोशनी कर देंगे पर्यावरण उन्मुखी दिवाली मनाने का संदेश। प्रदेश भर में पारंपरिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है धनतेरस का पर्व। लोगों द्वारा सोने चांदी के आभूषण, बर्तन एवं अन्य सामग्रियों की जमकर की जा रही खरीदारी। भगवान धन्वंतरी की जयंती पर मनाया जा रहा है चौथा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। इस मौके पर कई कार्यक्रमों का हो रहा है प्रदेश में आयोजन। खंडवा में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित कर बताई गई औषधीय पौधों की विशेषता। नरसिंहपुर जिले के करेली में अंतरिक्ष विज्ञान पर 3 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन। इसरो के वैज्ञानिकों ने विभिन्न मॉडल्स के जरिए दी अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़ी अहम जानकारियां। और बुंदेलखंड अंचल के टीकमगढ़ में कृषि नवाचार एवं जैविक खेती पर 4 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार राज्यों के स्टेट कोऑर्डिनेटर ने लिया कार्यशाला में हिस्सा।